प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज पात्रा बनाएंगे। पात्रा बनाने के लिए पात्रा का पत्ता को अच्छी तरह से धो के पोंछ के लिया है। इसको ऐसा उल्टा करके इसमें जो मोटी डंडी है उसको काट के निकाल देंगे। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, एक कप बेसन, दो चम्मच चावल का आटा, ऑयल, धनिया पाउडर, हरी धनिया, तिल, खसखस, हल्दी, जीरा पाउडर, हिंग, लाल मिर्ची पाउडर, ग्रीन मिर्ची, गुड़ और इमली को भिगा के ऐसा निचोड़ के उसका जूस लिया है, सरसों, स्वादानुसार नमक, गरम मसाला, कड़ी पत्ता, अभी एक बर्तन में बेसन डाल रही हूँ। चावल का आटा, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, खसखस, हल्दी, आधा तिल इसमें डाल रही हूँ, गरम मसाला पाउडर, नमक, ग्रीन मिर्ची, गुड़ और इमली का जूस डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस कंसिस्टेंसी से ऐसे रहने से बस है। अभी पत्ते को उल्टा करके इस पत्ते के ऊपर ये लगा देंगे। ऐसा देखिए चारों तरफ ऐसा लगाएंगे। अभी दूसरा पत्ता देखिए ऐसे रखेंगे, इसको भी ऐसे लगा देंगे आटा। तीसरा पत्ते को भी ऐसा। अभी जो पत्ता बाहर निकला है उसको ऐसा फोल्ड करके दोनों तरफ उसके ऊपर भी मसाला लगा देंगे। देखिए ऐसा दोनों तरफ जो बाहर निकला है उस पत्ते को ऐसा फोल्ड करके इसमें बेसन मसाला लगा देंगे। अभी इसको टाइटली रोल करेंगे। देखिए थोड़ा ऐसा इसमें भी बेसन मसाला लगा देंगे। अभी इसके चारों तरफ भी थोड़ा बेसन मसाला लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा ये रोल तैयार हो गया है। इसको अभी एक थाली को ग्रीस करके जो रोल रखा है ना उस रोल को इसमें रख देंगे। अभी दूसरे पत्ते को भी
ऐसे ही बेसन मसाला लगा देंगे। देखिए अभी इसको स्टीम में बॉईल करेंगे। कढ़ाई में पानी रख के, रिंग रख के, वो थाली इसके अंदर रख के 15 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लेंगे। देखिए स्टीम हो गया है, अभी इसको ठंडा करके काट लेंगे। देखिए ऐसा, अभी इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। अभी शैलो फ्राई करेंगे, कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। ये जो कट करके रखा है ना पात्रा, इसको भी रख रही हूँ। वो होने तक दूसरी तरफ चौंक लगा देंगे। कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, सरसों, हींग, तिल, कड़ी पत्ता, अभी देखिए ये मीडियम फ्लेम में रख करके इसको शैलो फ्राई है। अभी इसको पलट देंगे ऐसा। चाहिए तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा रोज कलर आया है। अभी इसको निकाल देंगे। देखिए जो चौंक करके रखा था ना, वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। थोड़ा धनिया से गार्निश कर रही हूँ। देखिए ऐसा। अभी दूसरा भी काट लेंगे। अभी इसको फ्राई भी नहीं करेंगे, शैलो फ्राई भी नहीं करेंगे, काट के इसको एक थाली में निकाल रही हूँ। चाहिए तो फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसके ऊपर चोंक और गार्निश करके खिला सकते हैं, यह भी अच्छा लगता है। देखिए ऐसा, इसको भी चोंक करके इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा सा नारियल गार्निश कर रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ। पात्रा रेडी।